ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखा कि टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी आर। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये टोटल पूरा पॉपुलेशन कितना है, 20 लाख। अब उस शहर का कितना पॉपुलेशन, ये आपको मालूम चल जाएगा। मान लीजिए कि पी है 16%, आप निकाल लीजिए, उसमें भी कितने मेल और फीमेल हैं उसका रेशियो यहाँ पे पूरा पूरा दिया गया है। ठीक है, पी क्यू आर, आर गायब है यहाँ से। ठीक है, आर का आप लिख लीजिए, आर का रेशियो है 6:5 मेल और फीमेल का। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है क्वेश्चन। टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी पी, ठीक है, चलिए देखिए टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 20 लाख। ठीक है, उसके बाद से पी का पॉपुलेशन कितना है, देख लीजिए कितना है, 16%। ठीक, तो हम लिख लिए 16%। और ये बताइए, ऊपर से मेल पॉपुलेशन पूछा जा रहा है, तो हम एक काम बताइए, हम डायरेक्ट यहाँ 5/8 कर सकते हैं कि नहीं, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हम अभी केवल इतना निकालेंगे तो हमें पूरा उस शहर का पॉपुलेशन मालूम चलेगा। जब शहर का पॉपुलेशन मालूम चलेगा फिर हमको 5/8 करना पड़ेगा, तो हम पहले ही कर दें तो किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा पूरा कितना आ जाएगा, ये 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, जैसे ही दिख रहा है, टोटल कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। फिर पूछा गया है कि इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी आर। अब देखिए आर का क्या क्या कम्बिनेशन है, तो आप आर देखिए, ये ग्रीन कलर है, तो ये 22% है इसका, तो फिर क्या करेंगे, 20 लाख बार 22%। ठीक है, और क्या पूछा गया है, फीमेल पॉपुलेशन, तो फीमेल ये देखिए आर 5/11, तो 5/11 कर लिए। ठीक है, तो फिर देखिए ये भी कितना आ जाएगा, ठीक है, ये भी 2 लाख ही आएगा। ठीक है, पूछा गया है कि इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फीमेल, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 लाख/2 लाख × 100, दैट इज 100%। किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ओके सिंपल है। देखिए प्लीज कैन यू रिपीट। हाँ बिल्कुल, रिपीट करते रहे। देखिए एक क्वेश्चन तो ये आया कि ये 5/11 कैसे हो गया, ये बताइए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, कि टोटल आर जो शहर है आर, इसकी पूरे ये सबकी पॉपुलेशन कितनी है, 20 लाख। अब जो शहर आर है, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, 22%। ये बताइए, जब हम 22% निकाल रहे हैं और इसमें हमको किसका परसेंटेज चाहिए, किसका नंबर चाहिए, हमको फीमेल का नंबर चाहिए, तो ये बताइए फीमेल कितनी है इसमें, 5 टोटल कितने में से, 11 में से, रेशियो आपने पढ़ा होगा, तो ये 5/11 कर दिए। अभी मेल पूछता तो मेल कितने हैं, 6 कितने में से, 11 में से। ठीक है, तो यहाँ फीमेल पूछ रहा था, तो हम क्या किए, 5/11 कर दिए। ठीक है, और इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए क्या है, पूछा गया है कि टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी पी। ठीक है, आप क्वेश्चन में 6.6:5 मिसिंग है, इसीलिए हमने देखिए यहाँ लिख दिया है, हमने बताया था कि ये जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, 6:5 दिया नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे आर होना चाहिए, आर 6:5। ठीक है, चलिए अब इसको फिर से देखिए, लिखा है टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी पी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी आर। ये बताइए कि ये पी का कैसे निकलेगा पॉपुलेशन में, हमको ध्यान दीजिए, 20 लाख तो टोटल हो गया, पी का कितना है, 16%, इसमें भी हमें क्या चाहिए, मेल का चाहिए, तो हम डायरेक्ट क्या कर दें, जब मेल कितने हैं, 5, कितने में से टोटल, 8 में से, तो 5/8 कर दिए। इसी तरीके से ये आर में गए, तो आर का क्या था टोटल, 22, तो 22% कर लिए। रेशियो का क्या है, 6:5, फीमेल कितनी है, 5, कितने में से, 11 में से, हो गया 5/11। ये भी 2 लाख, ये भी 2 लाख। पूछा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फीमेल पॉपुलेशन, परसेंटेज निकाल लिए, बताइए किसी को कोई डाउट है। चलिए, तो सर पाई चार्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो टेबल टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइन डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखिए कहीं पे भी अगर आर का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप याद रखिएगा 6:5 है, ये थोड़ा मिसिंग है, हालांकि इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन द टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी क्यू टू द टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एस। ठीक है, देखिए आप ये बताइए क्यू का हम टोटल पॉपुलेशन निकालते हैं, कौन सा मेल पॉपुलेशन। ठीक है, तो टोटल हम क्या करें 20 लाख का 18% कर दें। ठीक है, और ऊपर से भी क्या पूछा जा रहा है, मेल परसेंट, मेल का नंबर पूछा जा रहा है। तो आप ये बताइए, आइए आप क्यू में मेल कितने हैं, 4। ठीक है, 4/9 कर दें, हो गया 4/9। भैया मेल क्या मालूम चल जाएगा, मेल का नंबर मालूम चल जाएगा। अब आप एस पे आ जाइए, एस का टोटल 20 लाख, एस में ये देखिए कलर कौन सा है, ये कलर ये वाला है 15%। ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे 15/100। ठीक है, और एस में आप देखिए रेशियो क्या है फीमेल का, 2:1 पूरा दिया है मेल इज टू फीमेल, ये कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, कैलकुलेट करके डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें, ये आ जाएगा 1,60,000 और ये आ जाएगा आपका 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, तो टोटल डिफरेंस कितने का आ गया, 60,000 का आ गया। टिक कर दीजिए इस पे, भाई कोई डाउट है, सिंपल है कि नहीं, बिल्कुल सब ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क पे दे देते हैं। ठीक है, 18, ठीक है 19, ठीक है कहीं पे भी देखिए अगर आर होगा तो आप इसको 6:5 कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो पूरा पीपीटी है वो आपको ग्रुप पे शेयर कर देंगे, 80-90 आंसर भी भेज देंगे, ये आप करिएगा, नहीं आएगा तो कलम इसको बता देंगे। ठीक है, पूरा सब सेम है, आप समझ चुके हैं। आइए एक आखिरी क्वेश्चन देख लिए, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये सब तो देखिए रेशियो होगा, एवरेज होगा, आप कर ले जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए टोटल रेशियो पूछ दिया है, रेशियो बताइए आप, ये तो सिंपल है। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ सिटी क्यूब। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ सिटी क्यूब। ठीक है, देखिए ये क्यूब है हमारा। ठीक है, कभी भी पूछा जाए कि सेंट्रल एंगल आपको बताने के लिए देखिए क्या किया करिए, ये टोटल आप जानते हैं कि ये टोटल कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, और ये टोटल सर्कल में क्यू का कितना परसेंट है, 18%, कितने में से 100 में, तो आप लिख लिया करिए 18/100 × 360, इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, 64.80, हाँ 64 समथिंग आएगा, यही ऑप्शन है 64.80, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए ये बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस से रिलेटेड ये सब कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड द प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग एन आर्टिकल। ठीक है, देखिए जो ई कमोडिटी है इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 325, और इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 30 का। ठीक है, 30% का परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसमें दिया हुआ है कि क्यू है सेलिंग प्राइस 144 है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20% है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है। देखिए लिखा हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज अप्रोक्सिमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल यू। ध्यान दीजिए, देखिए आप जानते हैं यहाँ की एसपी दिया हुआ है, अब आपको सीपी निकालना है। आप ये बताइए कि अगर एसपी कितनी दी गई है, 325, और इस पे प्रॉफिट कितने का है, 30% का, तो आप जरा हमें कमेंट में बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए। देर में आ जाना चाहिए था, 295 होगा। ठीक है, और लोग का आंसर आ गया। चलिए देखिए कभी भी सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस निकालना हो और एसपी और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो देखिए सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कितने का है, 30% का, मतलब 30/100 कर लीजिए, 3/10 हो गया। ठीक है,
इसका मतलब कि कोई चीज 10 रुपए का है उस पर 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये जो हमेशा डिनोमिनेटर होता है ना, ये हमारा सीपी होता है, ठीक है। तो देखिए क्या था कि कहीं पे भी लिखा हो 30% का प्रॉफिट है, तो 30/100 कर लीजिए, वैल्यू क्या आएगी 3/10। तो ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये सीपी होता है, ऊपर क्या होता है प्रॉफिट, और यही ऐड कर देंगे सीपी प्लस प्रॉफिट हमारा क्या होता है, दैट इज सेलिंग प्राइस। तो 10 + 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30, ठीक है। जान दीजिए कि इसका मतलब कि यहाँ पे एसपी कितनी है 13, तो 13 की वैल्यू कितनी है 325। ये बताइए जब 13 की वैल्यू 325 है तो हमको क्या निकालना है, केवल सीपी निकालना है ना, तो हमें 10 की वैल्यू केवल निकालनी है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, ठीक है। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 250। तो सीपी हमारा कितना हो गया 250। बताइए किसी को कोई डाउट है, इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट है, या आप डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कभी भी सीपी पे पहुंचना हो तो 325 है, आप डायरेक्ट 100/130 कर दीजिए, तब भी आप डायरेक्ट सीपी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें सीपी मालूम चल गई, सीपी हमारी कितनी है, दैट इज 250, ठीक है। अब क्या पूछा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज अप्रोक्सिमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल यू। अब आप ये बताइए कि आर्टिकल यू है ये कितने का है, 275 का, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। अब इस पे प्रॉफिट कितने का है, 25% का है। तो आप बताइए डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं 100/125, ठीक है, डायरेक्ट हमें यहाँ से सीपी मालूम चल जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है, 220। ये बताइए ये 220 हो गया और ये 250 हो गया, ठीक है। पूछा गया है कि अप्रॉक्स परसेंटेज में आपको कैलकुलेट करना है, ये बताइए कितने का चेंजेस है, ये कितने का चेंज है, ये 250 - 220, 30 का पूरा चेंज है। और किससे कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, यू से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 220 × 100 कर दीजिए, ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0 कैंसिल, अप्रॉक्स में पूछा है ना, ठीक है। तो अप्रॉक्स में ये कितना हो जाएगा, 14% के अप्रॉक्स आ जाएगा, तो 14% पे टिक कर दीजिए। राइट, किसी को कोई डाउट है, आप बस सीपी निकाल लीजिए, फिर जिसे कंपेयर करने के लिए परसेंटेज बोल रहा है उसको कैलकुलेट कर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत, बस एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में बस सीपी निकालनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मनु सोल्ड एन आर्टिकल एस टू प्रीति हु अगेन सोल्ड इट एट 25% प्रॉफिट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न बाय मनु टू दैट ऑफ प्रीति। आसान सा क्वेश्चन है, इसको करके तुरंत बताइए। ये आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से करिए इसको। देखिए क्या कह रहा है कि मनोज सोल एन आर्टिकल एस टू प्रीति वो अगेन सोल इट एट 25% प्रॉफिट, ठीक है। अब दोनों के डिफरेंस में बताइए कितने का प्रॉफिट, प्रॉफिट में कितने का डिफरेंस है। मनोज अब प्रीति को सेल कर रही है, प्रीति किसी और को सेल कर रहे हैं, ठीक है, कर रही है। चलिए देखिए, मनोज एस कॉमोडिटी है ना, कहाँ गया, ये
ये बताइए 196 की ये कमोडिटी सेलिंग प्राइस है इसकी, ठीक है। इस पे ये क्या कर रहा है, 40% क्या ले रहा है, ये 40% प्रॉफिट है इसका। तो हम इस पे सीपी निकाल लें इसकी पहले, तो क्या होगा 100/140, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा टोटल, ये कितना हो जाएगा 140। इसकी सीपी कितनी आ गई 140, और इसकी एसपी कितनी थी 196। तो हमें ये मालूम चल गया कि इसको प्रॉफिट कितना हुआ है, मनोज को प्रॉफिट कितने का हुआ है, 196 - 140, दैट इज 56 रुपीज का प्रॉफिट मनोज को हुआ, ठीक है। अब आप हमको ये बताइए कि ये जो है प्रीति 196 में खरीदी इनसे, और इसको ये 25% क्या कर रही है, 25% पे महंगा सेल कर रही है। तो आप ये बताइए कि हम 196 का क्या करें, 25% पहले निकालें फिर 196 में ऐड कर दें, कि डायरेक्ट हम 125/100 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या करें, एक बार 25% निकालें फिर जाके उसमें ऐड करें, टाइम टेकिंग होगा, डायरेक्ट हम निकाल लें 125, ठीक है। तो ये बताइए इसका 125% कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 245 कितना आएगा, 245, ठीक है, 245 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए 196 का है और ये 245 में बेच रही है, तो इनको बताइए कितने का फायदा होगा, 245 - 196, इनको 49 रुपीज का फायदा होगा। अब पूछा जा रहा है कि दोनों के प्रॉफिट में कितने का डिफरेंस है, तो इसको 56 का फायदा हुआ, इसको 49 का फायदा हुआ, डिफरेंस कितने का है, 7 का, ठीक कर दीजिए इसको। भाई किसी को कोई डाउट है, करना क्या है, सबका सेलिंग प्राइस प्रॉफिट दिया है हमें, तुरंत एससीपी पे आना है बस। आपने सब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, तुरंत आप सीपी पे आइए, ठीक है, सीपी पे आप आ जाइए बस। उसके बाद आप देख लीजिए कितने का सर 196 सर 196 से डायरेक्ट 25% निकालते तो भी तो 14 ही आ जाता ना, डायरेक्ट आ जाता प्रॉफिट। क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक है, कीर्ति का 196 कह रहे हैं आप, ठीक है, डायरेक्ट तब भी आ जाता, ठीक है, क्या था 25/100, ठीक है, तब भी आ जाता, ठीक है, तब भी मालूम चल जाता कितना है, ठीक। तो इसका डायरेक्ट प्रॉफिट मालूम चल गया और उसका डायरेक्ट हमको प्रॉफिट मालूम चल गया, ठीक है, हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया। बताइए किसी को दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। चलिए अब देखिए लिखा है कि राजेश मार्क एन आर्टिकल क्यू विच इज 60 रुपीज अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, हाउ मच डिस्काउंट परसेंट शुड बी गिवन ऑन मार्क प्राइस टू अर्न द गिवन प्रॉफिट, ठीक है। देखिए क्यू कमोडिटी है, ठीक है, सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है 144, इस पे प्रॉफिट कितने का है, 20% का प्रॉफिट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये क्या करते हैं, जो भी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, उसका ये 60 रुपीज बढ़ा देते हैं। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इसके कॉस्ट प्राइस पे आते हैं, तो बताइए सेलिंग प्राइस कितनी है 144, कॉस्ट प्रॉफिट कितने का है 20% का, तो इसकी सीपी जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, ठीक है। तो 120 रुपीज हमारी क्या हो गई, सीपी हो गई। अब कहा जा रहा है कि ये इस पे 60 रुपए ज्यादा लिख रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा लिख दिए, तो टोटल कितना हो गया 180, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि हाउ मच डिस्काउंट परसेंट शुड बी गिवन, ठीक है, ऑन मार्क प्राइस, अब जानते हैं डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे ही देते हैं, ठीक है, टू अर्न अ गिवन प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट 20% का ही होना चाहिए, तो कितने का हम डिस्काउंट दें, ठीक है। तो आप हमको ये बताइए कि हमें अभी हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है, 180 हो गई है, हमारी सीपी कितनी थी 120, अब हम 60 रुपए फिर से ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो हमारी सीपी एसपी कितनी हो गई 180, पहले एसपी कितनी थी 144, अब हमें चाहिए हमें सेम परसेंटेज, तो हम डिस्काउंट कितना दें, हम डिस्काउंट ज्यादा देना होगा, कितना देना पड़ेगा, माइनस कर लीजिए कितना आ जाएगा 36, ठीक है। तो हमें परसेंटेज सेम पाना है, प्रॉफिट परसेंट सेम पाना है, तो एक काम करेंगे 36 रुपए का हम क्या करेंगे 36 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है,
इस पे मार्केट प्राइस क्या है 180 इनटू 100, ठीक है, तब भी जो है हमें 20% का ही फायदा होगा, ठीक। तो बताइए डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, ठीक है 20%। बताइए किसी को कोई डाउट है? इसमें कहा ये जा रहा है कि जो क्यू कॉमोडिटी है इसकी कॉस्ट प्राइस पे 60 रुपीज हम बढ़ा रहे हैं। देखिए ऑलरेडी सेलिंग प्राइस 144 थी, ठीक है, लेकिन हम फिर से इसके कॉस्ट प्राइस पे 60 रुपए बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करें? इसका पहले सीपी निकाल ले, देख लेते हैं इसकी सीपी कितनी है। तो 120 इसकी सीपी थी, अब 60 रुपए बढ़ाना है तो 60 रुपए बढ़ा दिया, कितना कर दिया 180 कर दिया, लेकिन प्रॉफिट हम चाहते हैं 20% का हो। तो जब 20% का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट तो और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं 20% का प्रॉफिट हो, तो हम क्या करें? डिस्काउंट ज्यादा देना होगा। डिस्काउंट कितना देना होगा? डिस्काउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना डिस्काउंट देना होगा। तो 180 की चीज हम क्या करेंगे 144 में बेचेंगे, तो 36 रुपीज का क्या करेंगे? डिस्काउंट देंगे, ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या है 180, अपडेट कर लेंगे 20%। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? सिंपल है, चलिए ठीक है। तो इसमें का एक दो क्वेश्चन और है, ये आप घर से करिएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी क्यू आर एस टुगेदर। हम क्या करेंगे? पी क्यू आर और एस सबकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। अभी आप देखे थे क्यू की कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही थी, 120 आ रही थी, ये पी की कितनी आ रही थी, जब आप पहले कैलकुलेट कर लिए हैं तो यहाँ बेनिफिट होता है, इसकी शायद 250 आ रही थी, ठीक है। आर और एस का आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, एस का भी शायद निकला था शायद, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कॉस्ट प्राइस और उसका एवरेज उसको डिवाइड कर दीजिए, एवरेज सीपी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम सीट आपको भेज देंगे ग्रुप में, इसको आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और कल और डीआई के अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, आज थोड़ी सी बेसिक था, कल और अच्छे क्वेश्चन रहेंगे डीआई के। उसके बाद आप यूपी सीईटी में, ठीक है, 1 से 2 सेट रहेगा आपकी डीआई के, इससे अधिक भी हो सकता है। जहाँ तक बीएचयू की बात रही तो बीएचयू का एग्जाम इस महीने के आखिरी में है, ठीक है, उसमें तो पिछली बार 18 क्वेश्चन था डीआई का, ठीक है, इस बार कम अधिक भी हो सकता है। और एयू में फिक्स है, ठीक है, 1 से 2 सेट डीआई रहती है। तो जब ये आपने 100 क्वेश्चन कर लिया और प्रीवियस ईयर जो हमने बीएचयू का कराया उतना कर लिया, इतना ही नंबर कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है। पीपीटी हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। चलिए किसी का और कोई डाउट है?